दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ये कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है, और इसकी जीती जागती मिसाल है वो सितारे जिन्होंने प्यार की खातिर बेझिझक अपने से कम उम्र के हमसफर का हाथ थामना स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं 5 बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम बताएंगे जो अपने पति की शादी के दौरान बहुत ही छोटी थीं। ये वही अभिनेत्रियां हैं जो अपने पति की पहली शादी के वक्त बिल्कुल बच्ची थीं, और इनमें से एक तो बस साल भर की थी। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पहले नंबर पे हैं सैफ अली खान और करीना कपूर। बॉलीवुड के नवाब यानी सैफ अली खान ने साल 1991 में अपने से 10 साल बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी की थी, अब वो उनसे तलाक भी ले चुके हैं। साल 2012 में सैफ ने अपने से 10 साल छोटी करीना कपूर से शादी कर ली। सैफ और अमृता के शादी के वक्त करीना महज 11 साल की थी। दोस्तों, दूसरे नंबर पे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। बॉलीवुड के हेमेंद्र धर्मेंद्र फिल्मों में आने से पहले ही शादीशुदा थे। इन्होंने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। इसके बाद इन्होंने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की, लेकिन जब धर्मेंद्र ने पहली शादी की थी उस समय हेमा सिर्फ 6 साल की थी। दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की उम्र में 13 साल का फर्क है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हैं संजय दत्त और मान्यता दत्त। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के शादी के किस्से हों या फिर अंडरवर्ल्ड के, वो हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। इन्होंने साल 1987 में रिचा शर्मा से पहली शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा त्रिशाला दत्त है। इसके बाद इन्होंने साल 1998 में दूसरी शादी रिया पिल्लई से की थी। फिर 2008 में संजय दत्त ने तीसरी शादी मान्यता से की। इनकी पहली शादी के दौरान मान्यता सिर्फ 9 साल की थी। दोस्तों, संजय दत्त और मान्यता दत्त की उम्र में 19 साल का फर्क है। दोस्तों, चौथे नंबर पे हैं कबीर बेदी और परवीन दोसांझ। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और विलेन कबीर बेदी भी अपनी शादियों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। वे इस उम्र में भी काफ़ी हैंडसम लगते हैं। उम्र का तो जैसे उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तभी उनसे उम्र में कई साल छोटी परवीन दोसांझ उन्हें दिल दे बैठी। कबीर बेदी ने अब तक 4 शादियां की हैं, जिसमें 2016 में परवीन दोसांझ से चौथी शादी की थी। कबीर ने जब पहली शादी की थी उस दौरान परवीन की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। और दोस्तों, पांचवें नंबर पे हैं किशोर कुमार और लीला चंदावरकर। दोस्तों, फिल्म जगत के जाने माने गायक और अभिनेता किशोर कुमार ने कुल अब तक 4 शादियां की थी, जिनमें लीला चंदावरकर उनकी चौथी पत्नी है। दोस्तों, किशोर कुमार ने जब पहली शादी रूमा गुहा ठाकुरता से की थी उस दौरान लीला चंदावरकर सिर्फ 1 साल की थी।